मिलेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्री सुखान मंचुमदार जी। नमस्कार सर, धन्यवाद, आपने मुझे रेलवे के डिमांड फॉर ग्रांट्स के समर्थन में बोलने का मौका दिया। रेलवे इस वर्ष में 2022 और 23 में 2,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये होने का अनुमान किया है, जो पिछली बार की तुलना में अर्थात 19-20 की तुलना में 10% की वृद्धि है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में भारतीय रेल नए दिशा की तरफ जा रही है। वो नॉर्थ ईस्ट में रेल पहुंचाना हो, हमारे पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम तक रेल पहुंचाना हो, या देश के बाकी प्रांतों में रेल को पहुंचाना, जो लाइफ लाइन है भारतवर्ष की, प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आदरणीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे अगले आने वाले 25 सालों के लिए रेलवे तैयार हो रही है और भारतवर्ष को एक नई ऊंचाई पे लेके जा रही है। आपने हमने सबने देखा कि कोविड सिचुएशन के सामने रेलवे ने बहुत अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस रेलवे को सामना करना पड़ा। तो इन समय में रेलवे ने अपना दायित्व निभाया, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, लोगों के पास ऑक्सीजन पहुंचाना से शुरू करके बाकी जगहों में मेडिकल फैसिलिटीज में हेल्प करना रेलवे के तरफ से हुआ है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। 2021-22 में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए राष्ट्रीय रेल योजना के तैयार की गई है, जो योजना के तहत निम्नलिखित समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना शुरू की जाएगी, जो पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचाएगा। खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, भुसुवाल से खड़गपुर से डानकुनी तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। रेलवे विल डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक सर्विस फॉर द स्मॉल फार्मर्स एंड द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इट विल ऑल्सो टेक स्टेप्स टूवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क टू प्रोवाइड सीमलेस सोल्यूशन फॉर मूवमेंट ऑफ पार्सल। तो माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री जी की अनुप्रेरणा से बड़े बड़े काम दिए जा रहे हैं। आज हमारे विपक्ष के मित्र जो बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बारे में पश्चिम बंगाल को इस बजट में डिप्राइव किया गया, आज इस हाउस में मैं बोलना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में टोटल 48 प्रोजेक्ट्स है जो लैंड नहीं मिलने के कारण पूरा स्टॉप होके बैठा हुआ है। इवन मेरे क्षेत्र में जब मैं सांसद नहीं था, हमारे तृणमूल कांग्रेस के सांसद से थे, 2017-18 में बालूरघाट हिली न्यू रेलवे लाइन परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपया आवंटन किया गया था मेरे पहले वाले सांसद के समय में। लेकिन सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की कमी की वजह से 250 करोड़ में से 4-5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, बाकी पैसा वापस आ गया। इसका जिम्मेदार कौन है ये पता ना, हमें पता लगाना चाहिए। जब पश्चिम बंगाल में मेरे क्षेत्र में ये 250 करोड़ रुपया जब ये दिया गया, पैसा वापस आ गया 4-5 करोड़ खर्च किए होने के बाद। आज माननीय रेल मंत्री जी के पास मैं गया, उन्होंने इस बार उस परियोजना में 20 करोड़ रुपया दिया है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन सर, ये दिल मांगे मोर, 20 करोड़ तो दिया है आपने, लेकिन परियोजना को अगर पूरा करना होगा तो इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। और मुझे आशा है, जैसे आपने व्यक्तिगत रूप से बोला है कि पैसे की कमी नहीं आएगी, राज्य सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए, लैंड मिलना चाहिए, लैंड के बिना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। माननीय चेयरमैन सर, एक बड़ा आइकॉनिक सीन है सत्यजीत राय डायरेक्टेड पथेर पांचाली, जो फेमस फिल्म है, उस फिल्म में क्या ओपू एंड दुर्गा दो कैरेक्टर है। आपने गांव के पास से जब रेल गुजरती है, दोनों भाई बहन दौड़ रहे हैं रेल देखने के लिए। ठीक 2004 में ऐसा ही एक घटना घटा मेरे डिस्ट्रिक्ट में। इंडिपेंडेंस के उतने दिनों बाद 2004 में रेल पहुंचा और मेरे क्षेत्र के जितने ओपू और दुर्गा थे, वो बच्चे नहीं थे, मैच्योर थे, सब दौड़े रेल देखने के लिए। ऐसा डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ममता जी को बनाया था। ममता जी ने कैसा रेल दिया, मैं आपके सामने क्लियर करता जाता हूँ। हैंड प्लंजर सिस्टम से
ट्रैक को चेंज किया जाता था, बालूरघाट स्टेशन के ढूकने से घुसने से पहले रेल को खड़ा करना पड़ता था, हैंड प्लंजर से लाइन को चेंज करके जो ब्रिटिश के समय के सिस्टम था उस सिस्टम को तैयार किया जाए। कल्याण दा थोड़ा चुप रहिए, आपका भी समय आएगा, टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, वेट कीजिए। तो अभी इस जिले के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मैं आपसे मांग करता हूं, क्योंकि 2004 में जहां पे रेल पहुंचा, वी नीड ए हीलिंग टच सर। उस हीलिंग टच के बिना इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपको मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे वहां पे 3 परियोजनाएं जो बंद हो चुकी है। क्यों? इसमें बालूरघाट हिली में आपने पैसा दिया, ममता जी के समय तो सिर्फ शिलान्यास होता था। मैंने देखा, मैं तब स्टूडेंट्स था, रेलवे स्टेशन में उतरा, एक लंबा सा दीवार खड़ा किया गया, उसमें 50 शिलालेख है जो ममता बनर्जी ने इनॉग्रेशन किया, एक में भी पैसा नहीं डाला, सारी परियोजनाएं बंद हो गई है उस समय से। माननीय रेल मंत्री जी को अनुरोध है कि दूध का दूध और पानी का पानी टाइम आने पर आप कर दीजिएगा। तो बाकी जो परियोजनाओं को घोषित किया, इसलिए अरे कल्याण दा बैठिए बैठिए, पीके आप आ रहा है। मैं अनुरोध करता हूं, बुनियादपुर कालियागंज जो रेल परियोजना है, और गाजोल से गुंजरिया तक इटाहार होके जो रेल परियोजना, इन परियोजना में आपको आपसे अनुरोध है कि आप पैसा दीजिए। पश्चिम बंगाल में इस्कॉन मंदिर बन रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। सर आपसे अनुरोध है, रेल को इस्कॉन तक पहुंचाइए, ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पर्यटक के लिए स्थान होने वाला है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस्कॉन तक रेल पहुंचाने की कोशिश कीजिए। उत्तर बंगाल हमेशा ही पिछड़ा इलाका रहा है, इसलिए उत्तर बंगाल को आप एक हाई स्पीड ट्रेन दीजिए। मैं पहले भी इस हाउस में, अगस्त हाउस में बोल चुका हूं कि जब वीकेंड होता है सारे सांसद अपने क्षेत्र में जाता है, मैं नहीं जा पाता, क्योंकि मेरे वहां जाने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं जाऊं और फ्राइडे को जाऊं और मंडे को यहां पहुंच जाऊं। इस जगह इस समस्या से अगर कोई निजात दिला सकता है तो रेलवे दिला सकता है, क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे मोदी जी का रेल है, वैष्णव जी का रेल है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि समस्या को आप निवारण कीजिए। दक्षिण दिनाजपुर पे आज दक्षिण दिनाजपुर से हावड़ा जाने के लिए, बालूरघाट से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन नंबर 03063 03064 अप एंड डाउन एक ही ट्रेन है, लेकिन एक ही रेक हावड़ा से खुलती है, बालूरघाट जाती है, इंजन को घुमा के फिर उसको हावड़ा लेके आती है। सर आपसे अनुरोध है कि इस रेक को डबल किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से रात को अगर ट्रेन खुलेगी तो यात्रियों की सुविधा होगी। और सर अनुरोध है, आप सीनियर मेंबर है सर, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। आप उधर बोलिए। मैं इस वजह से रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वंदे भारत ट्रेन का भी मेरे इलाके से चलाने की व्यवस्था की जाए। इसी साथ मैं रेलवे अधिकारियों को समर्थन करता हूं और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्पीकर श्री गुरुजीत सिंह अहलिया।